नमस्कार, हरियाणा के मुख्य समाचारों के 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हरियाणा के किस जिले से समाचार को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सिंघू बॉर्डर हत्या के जिम्मेदार सरकार, एसजीपीसी ने कहा बेअदबी मामलों की सही जाँच होती तो संगत में रोष ना होता। सिंघू बॉर्डर पर हुई हत्या की घटना की जिम्मेदार सरकार है। बेअदबी के मामलों की जांच सही ढंग से नहीं होने के कारण ही संगत का रोष ही सिंघू बॉर्डर पर सामने आया है। ये बातें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की अध्यक्ष बीबी जगीर ने यही कही। उन्होंने बीएसएफ का दायरा बढ़ाने के केंद्र के फैसले की भी निंदा की है। पानीपत में लाखों की चोरी, रेलवे रोड पर मोबाइल शोरूम से दो बाइक सवारों ने 23 मिनट में 20 लाख के फोन और 4 लाख कैश चुराया। हरियाणा के पानीपत जिले में चोरों ने मोबाइल रिपेयरिंग एवं स्पेयर पार्ट दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान से 19 मोबाइल फोन चुराए। इसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। चोरों ने 3.5 से 4 लाख की नकदी भी चुरा ली है। पानीपत में ईंट मार मार कर युवक की हत्या। हरियाणा के पानीपत जिले में डीजे वाले के साथ काम करने वाले युवक की ईंट मार मार कर हत्या कर दी गई। युवक के परिवार ने घर आकर घटना की सूचना देने वाले उसके दोस्त के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। किला थाना पुलिस जांच कर रही है। दादरी में डीएपी खाद न मिलने पर हंगामा, किसानों ने मंडी के गेट पर जड़ा ताला। हरियाणा में डीएपी की किल्लत के चलते किसानों का रोष बढ़ता जा रहा है। पिछले कई दिनों से परेशान दादरी के किसानों ने मंगलवार को पुरानी अनाज मंडी के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। इस दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी की। सूचना के बाद दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान भी किसानों को समर्थन देने पहुंचे। डीएपी खाद के लिए मारामारी, फतेहाबाद में इफको केंद्र पर लगी लंबी लाइनें। हरियाणा में डीएपी खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कई जिलों में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। फतेहाबाद जिले में भी मंगलवार को काफी मारामारी देखने को मिला। प्रशासन बार बार बयान जारी करके यह दर्शाना चाह रहा है कि जिले में डीएपी की कोई कमी नहीं है, जबकि धरातल पर हकीकत प्रशासन को नजर नहीं आ रही है। हिमाचल में सैलानियों के लिए सेना बनी फरिश्ता, लाहौल स्पीति में फंसे 150 लोगों को आईटीबीपी ने अपने कैंप में ठहराया। लाहौल स्पीति में हुई भारी बर्फबारी के बाद काजा मार्ग पर 150 पर्यटक वाहनों के साथ फंस गए, जिसमें 40 के करीब गाड़ियां और एक एचआरटीसी की बस थी। इस बीच भारतीय सेना एक बार फिर लोगों के लिए फरिश्ता बनकर आई। समदो में तैनात आईटीबीपी के जवानों ने नेशनल हाईवे 505 पर फंसे लोगों को अपने कैंप में रेस्क्यू किया। सेना के जवानों ने सभी लोगों को अलग अलग कैंप में ठहराया। कर्मचारी संघ के मोर्चा खोलने की तैयारी, 3 बड़े ऐलान किए। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। संघ ने हरियाणा सरकार पर कर्मचारी विरोध होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के साथ 25 अप्रैल और 17 अगस्त 2020 को दो दौर की बातचीत में दर्जनों मांगों पर सहमति जताई थी, लेकिन मानी गई मांगों के पत्र जारी नहीं किए। हरियाणा में हर परिवार को रोजगार से जोड़ा जाएगा, कमलेश ढांडा। हरियाणा के हर परिवार को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य के साथ प्रदेश सरकार कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हरियाणा में हरहित स्टोर्स खोले जा रहे हैं। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की नीति पर चलकर एक समान विकास कार्य करवा रहे हैं। आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों ने कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। अम्बाला में वर्षों से लंबित चली आ रही अपनी मांगों के प्रति आज आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्पर्स ने अम्बाला की कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपने वायदे पूरे करने को कहा। आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन व हरियाणा की राज्य सचिव अनुपमा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि लंबे समय से अपने मानदेय को लेकर सरकार के खिलाफ रोज प्रदर्शन करती चली आ रही हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। 10 मार्च 2018 को यूनियन के साथ सरकार ने एक समझौते के तहत किया था कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को श्रमिक का दर्जा दिया जाएगा। पुलिस स्टेशन से ही फरार हुआ चोर, खिड़की का कांच तोड़कर हो गया रफू चक्कर। अम्बाला पुलिस की गिरफ्त से एक चोर फरार होने का मामला सामने आया है। शातिर चोर कहीं और से नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन से ही पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। जब थाने में पुलिस कागजी कार्रवाई में जुटी तो मौका पाकर चोर खिड़की का कांच तोड़कर पुलिस की गिरफ्त से रफू चक्कर हो गया। फिलहाल गिरफ्त से फरार हुए चोर की तलाश में पुलिस अब जगह जगह उसकी तलाशी कर रही है। लखबीर सिंघू बॉर्डर क्यों गया, पंजाब सरकार हत्या के पीछे साजिश की जाँच करेगी।
पंजाब सरकार को लगता है कि सिंघू बॉर्डर पर लखबीर सिंह की हत्या और सरेंडर करने वाले चार निहंगों के दल प्रमुख बाबा अमन सिंह की केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के पीछे कोई गहरी साजिश है। पंजाब सरकार ने इस मामले की जाँच कराने का फैसला किया है। रेवाड़ी में पोस्टमैन की गोली मारकर हत्या, बाइक सवारों ने शिव कॉलोनी में दिया वारदात को अंजाम। हरियाणा के रेवाड़ी में एक पोस्टमैन की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात उस वक्त हुई जब पोस्टमैन शहर की शिव कॉलोनी से पैदल अपने घर की तरफ जा रहा था। अभी हमलावरों का पता नहीं चल पाया है। SP अभिषेक जोरवाल अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और उसके बाद ट्रॉमा सेंटर भी पहुंचे। BJP सांसद अरविंद शर्मा का जुलाना में विरोध, पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ा, काफिले की गाड़ी के आगे लेटे किसान। हरियाणा के जींद जिले के जुलाना में रोहतक के भाजपा सांसद अरविंद शर्मा का किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। यही नहीं, किसान पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़कर सांसद के काफिले की गाड़ी के आगे लेट गए। पुलिस की सख्ती के बाद सांसद अरविंद शर्मा को अपने गंतव्य की ओर रवाना किया। फतेहाबाद में DAP खाद की ब्लैक, राजस्थान जा रहे कैंटर से भट्टंग कला में पकड़े 100 बैग। हरियाणा में एक तरफ जहां DAP खाद को लेकर किसान लाइनों में धक्के खा रहे हैं, वहीं इसकी ब्लैक भी जोरों पर है। मंगलवार को फतेहाबाद जिले के भट्टू कला में पुलिस DAP खाद से भरा एक कैंटर पकड़ा। कैंटर में DAP खाद के 100 कट्टे भरे हुए थे, इसे राजस्थान ले जाया जा रहा था। सिलेंडर चोरी करते पकड़े युवकों को अजीब सजा। हरियाणा के यमुनानगर के छछरौली के गांव देवधर में पंचायत ने सिलेंडर चोरी के आरोप में पकड़े गए 3 युवकों को अजीब सजा सुनाई है। पंचायत ने पकड़े गए 3 युवकों के सिर के आधे बाल काटने का आदेश जारी किया। युवकों के बाल काटने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। 2 गांवों के बीच माइनर टूटी, किसानों की सैकड़ों एकड़ धान की फसल डूबी। झज्जर के दुजाना गांव के पास है गुजर रही रामपुरा माइनर, मंगलवार की सुबह अचानक टूट गई। अज्ञात कारणों से टूटी नहर का हजारों क्यूसेक पानी किसानों की धान की तैयार फसल में जा घुसा, जिसकी वजह से क्षेत्र के दर्जनों किसानों की करीब 150 एकड़ फसल पानी में डूब गई। किसानों की फसल माइनर के पानी में डूबने की सूचना जैसे किसानों को मिली तो किसानों ने उसी समय अपने स्तर पर माइनर के कटाव को ठीक करने का प्रयास भी किया। निजी अस्पताल के पास झाड़ियों में मिला नवजात शिशु, पुलिस माता पिता का पता लगाने में जुटी। सोनीपत के बहालगढ़ रोड पर एक निजी अस्पताल के पास झाड़ियों में नवजात शिशु मिलने से सनसनी फैल गई। नवजात शिशु एक दिन का बताया जा रहा है, जिसे गांव फाजिलपुर निवासी एक व्यक्ति ने सोनीपत के नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। गुरु शिष्य का रिश्ता शर्मसार, शिक्षक ने नाबालिग छात्रा के साथ की अश्लील हरकत। फरीदाबाद में एक बार फिर गुरु शिष्य का रिश्ता शर्मसार हुआ है। यहां के सिकरोना गांव में सरकारी स्कूल के अध्यापक पर नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के आरोप लगे हैं। परिजनों की शिकायत पर पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नंबरदार व उनके परिवार को भी मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की कि राज्य के नंबरदार एवं उसके परिवार को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसके तहत 5 लाख तक प्रतिवर्ष कैशलेस इलाज करवाया जा सकेगा। डिप्टी CM जिनके पास राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का प्रभार भी है, ने मंगलवार को यहाँ अधिकारियों की बैठक के बाद यह जानकारी दी। पंचकुला से मोरनी जाने वाली सड़क को चौड़ा करने के प्रस्ताव को मंजूरी, केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंचकुला महानगरीय विकास को पंचकुला मोरनी सड़क प्रोजेक्ट और गति प्रदान करेगा। इससे मोरनी क्षेत्र के लोगों और पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने पंचकुला से मोरनी जाने वाली सड़क को और मजबूत व चौड़ा करने के प्रस्ताव को केंद्र में भेजे जाने के लिए अनुमति प्रदान की।